गाना वाला मतलब पशी इन गाना और बाकी जो हमारे मुअज्जिज़ मुकर्ररीन ने जो हमें सजेशन दी कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इस पर भी हम सोचेंगे। एंड देन कुछ चीज़ें सिचुएशनल होती हैं, सिचुएशन के हिसाब से कुछ प्रोग्राम करना होता है वो भी है। लेकिन जनरली जो तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, उस हिसाब से मैंने कुछ यहाँ पे नोट किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फाइनेंस, फाइनेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होती है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। पिछली जो कन्वेंशन थी वहाँ पे जो अमायदीन थे उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि आपकी हम हेल्प करेंगे, आप हमारे पास आ जाए, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। लेकिन वही होता है कि बाद में ऑर्गेनाइजेशन में 3-4 बंदे काम करते हैं तो वो रेगुलरली उनके पीछे नहीं जा सकते। तो इस बार मैंने ये सोचा है कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, जो भी विलिंग डोनर्स हैं वो वहाँ पर अपना नंबर हमें दे दें, वहाँ पर हम आपको बता देंगे अगर हमें कोई मसला हो। तो जैसा कि जाते हैं बगरोड की नुमाइंदगी करते हैं बड़े अच्छे अंदाज में और बड़े अच्छे तरीके से। और इसी तरीके से BSO के आई यूनिट के जो पहले सदर हैं हमारे इम्तियाज़ भाई, इनके और फर्दन हर किसी का मैं यहाँ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी एक कॉल पे यहाँ पे आ गए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारी मदद की। इसके बाद वो इंग्लिश में एक मकोला है, वो मैं बताऊंगा चूँकि सुना तो बहुत बोला ना सबने। वो कहते हैं कि हैव मोर देन यू शो, इंग्लिश का एक मकोला है। मतलब जितना आप जाहिर करते हैं, मतलब आप उससे कहीं बढ़ कर हो, इतना जाहिर ना करें कि आप मतलब बाद में उसके ऊपर ना उतरें। तो बहरहाल हमारी भी यही कोशिश रही है कि हमारे जो टेन्योर था, जो दौरानिया था, कि हम उसमें ऐसा करें कि मतलब इतना शो आप ना करें वो सोशल मीडिया में जो हम प्रैक्टिकली बाद में हम बयान ना कर सकें, ठीक है। तो दूसरी बात, बहरहाल मैंने फर्दन यहाँ पर नोट भी किया हुआ है, हमारे कुछ दोस्तों ने बड़े एतराज़ात भी किए हैं, कुछ अपने तहफ़ुज़ात का भी इज़हार किया और कुछ खामियों के बारे में भी बताया, वो मैं फर्दन बहरहाल इन कन्फ्यूजन्स को भी क्लियर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो हमारे इम्तियाज़ भाई ने बोला कि BSO जो हैं आजकल मतलब इतनी फाल नहीं है और हमारे जो प्रोफेसर्स हैं KIU के अंदर तो इनके साथ इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं है जितनी होनी चाहिए। और इसी तरीके से क्या उस्ताद मोहतरम है वो अकबर गुट्टी पाकिस्तानी पहला CSS ऑफिसर है, वो CSS टॉप थे, उस पहला नालायक बोलो तुम जबान न थे संभलिए, वो CSS टॉपर है फिर भी रोज तुम जबान थे। तो ऐसा भगोर कौम ऐसे जबान छिना है तो असुट का आवाज़ क्या दिया तेरे प्रोग्राम अछना की हम बेस। तो दूसरा खुशी भी मैं ख्याल में बस पहली दफ़ा आज मैं सुखी बोतम बहुत ही सही, बहुत ही शुक्रिया। तो खुशी है मोर इनकी सो अचा के इतफा के भाई अरे मेरे युवानी के कौम मर भाई तो है कौम करेगा नाकाम न भाई। तो मस्त बुढ़ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल मोर थी मस्त चुन खींचू मोर थम कि बुढ़ी माँ अनपढ़ है टाइम माँ कम तालीम थी मस्त तुम हैसियत मुताबिक जो है मोरी तुम सुन पहला अन इनके अदान असे बबरोट यू यालबाद यू जाए हुआ हसरा बेन बन जुदा दे सही सही कुम बन तन टन सु तकरीबन सुफारी पीन तालीम यू तेन सही कुम मनोहन के एन्यू निगरानी सुख ठीक है ना कम अगले लेकिन जी मैं अपना नाम बहसियत सदर बगरोट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अली हाशिमी बहसियत सदर बगरोट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस से दिल से एक विलिंग कैंडिडेट जैसे BSO एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए जो सदर होता है वो हमेशा अपने एजुकेशन के ऊपर ही फोकस करता है। इसके लिए मैं अपने सलाहियतों के मुताबिक हमारे मेहमान का तरफ करवाता चलूँ। सबसे पहले हमारे लेक्चरार साहब डॉक्टर इंजीनियर इसरार हुसैन बगोरो लेक्चरार कंप्यूटर साइंस एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट BSO कराची
कराची में हूँ। अली बरार बबोरो रहनुमा अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान एंड सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शब्बीर बबोरो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीटीआई हलका नंबर 3 लियाकत अली लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री के आयु गिलगित जावेद इकबाल फार्मर प्रेसिडेंट बीएसओ कराची नूर आलम फार्मर प्रेसिडेंट बीएसओ के आयु इम्तियाज गुलाब बबोरो फर्स्ट प्रेसिडेंट बीएसओ करने के लिए इस बीएसओ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। बाद में इसको पॉलिटिकल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बना के लोगों ने बहुत कोशिश की कि उसको किसी और के साथ मिक्स करे, यूथ के नाम से कभी किसी और नाम से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने, लेकिन वो कुछ अरसे चलते हैं उसके बाद जाके ख़त्म होते हैं। लेकिन बगरोट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज भी जिस पहले जिस अंदाज से चल रही थी उससे ज़्यादा एक्टिव होकर काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप जो कह रहे हैं कि सेंट्रलाइज जो है वो क्या यू यूनिट होना चाहिए, वो मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि आजकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या यू में ही पढ़ रहे हैं। कराची बहुत कम स्टूडेंट जा रहे हैं, वहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे हैं वो भी बस वही एक बंदे को लाके उसको कहते हैं कि ये बी एस ओ का।